हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का डिटेल्स में कुछ पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी में, निफ्टी फिफ्टी में कुछ स्टॉक में। तो जो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है कल के लिए, जो चार्ट को हमें देखना चाहिए वो चार्ट है इंडक्शन बैंक, जिसमें के ब्रेकआउट आप देख सकते हैं आया है और इस लेवल के आसपास आपको मिलता है तो बाइंग बनता है। ये लेवल है 1146, आप देख सकते हैं। इंडक्शन बैंक, इंडक्शन बैंक में कभी भी इस लेवल पर 1150, 1150 के आसपास मिलता है तभी इमीडिएटली आपको बाइंग बनेगा। नंबर टू है कोटा का बैंक। कोटा का बैंक का आप देख सकते हैं एक पैटर्न बनाया था और नीचे में आपको कभी भी इस लेवल के आसपास कोटा का मिलता है, यानी कोटा का 1925, 1920 के आसपास मिलता है तभी बाइंग बनता है। इसके बाद LTT आप देख सकते हैं 3737 इस लेवल के आसपास मिलेगा तो बाइंग बनेगा, क्योंकि इसका भी एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है तो नीचे में आया तो आपको बाइंग बनता है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो उस लेवल के आसपास आया तो आपको बाइंग करना पड़ेगा। तो और एक टाटा कंज्यूमर है, इसमें आपको एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और नीचे में इस लेवल के आसपास 765 के आसपास आया तो बाइंग बनता है। तो इसका हम देखेंगे तो चार्ट पैटर्न के साथ, मूविंग एवरेज के साथ देखेंगे तो इसके ऊपर टिकेगा, यानी 770 के ऊपर आपको मेंटेन करता है तभी आपको बाइंग बनेगा। तो इसके ऊपर जब भी आपको 770 के ऊपर आपको ब्रेकआउट देता है तभी आपको बाइंग बनता है, अदरवाइज आप इस लेवल पर आपको वेट एंड वॉच देखना चाहिए। BPCL एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है, तो BPCL में एक ब्रेकआउट होने वाला है तो उसमें आपको कभी भी इस लाइन के ऊपर मिलता है, यानी आपको 311 के ऊपर आपको मिलता है तभी बाइंग बनेगा। तो BPCL हम देखेंगे तो मूविंग एवरेज के साथ नीचे में आपको कभी भी मिलता है तो बाइंग बनता है, और ऊपर का लेवल मिलता है तो बाइंग, और नीचे का लेवल भी इसके आसपास मिलता है तो बाइंग बनता है। इसके साथ टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा काफी नीचे में आने वाला है, थोड़ा सा ये फॉर्मेशन हो गया है, इसका जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है इसके नीचे मेंटेन करता है तो आपको इमिडिएटली सेल मिलेगा, और इसके ऊपर मिलता है तभी आपको बाइंग बनेगा। लेकिन आपको कभी भी 1051 इस लेवल के ऊपर आपको मेंटेन नहीं करता है तभी आपको बाइंग नहीं बनेगा, नीचे का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा तभी आपको इस लेवल के नीचे मिलता है तभी आपको सोचना चाहिए। वेदांता, वेदांता एक अच्छा पैटर्न बनाया है, ट्रेंगुलर पैटर्न बनाया है, तो कभी भी इसके ऊपर जब भी मेंटेन नहीं करता है तभी हमें इसमें नहीं बनाना चाहिए। 306 लेवल ब्रेक करेगा तो नीचे आने का संभावना ज्यादा है, और इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है तभी ये ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें मिलना चाहिए ब्रेकआउट का लेवल इसके ऊपर। ये डायरेक्ट ये चलेगा, ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, इसके बाद कभी भी ब्रेकआउट देता है तभी इसमें बाइंग बनता है। सुबह के कैंडिडेट है, लेकिन ये जो कैंडिडेट ट्रायंगल पैटर्न बनाया है इसके ऊपर ये मेंटेन करेगा तो 618 के ऊपर मेंटेन करेगा तो एक ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन इसका जो लेवल है हमें मिल रहा है इस लेवल के आसपास, ये 626 के ऊपर जब तक टिकेगा नहीं तब तक हमें ऊपर खरीदना नहीं। ये ऊपर जाएगा तो इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंट पॉइंट बना है, तो ये जो रेजिस्टेंट पॉइंट बना है ये मुझे लग रहा है ये एक ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार है, लेकिन इस लेवल के ऊपर मेंटेन करता है तभी आपको नहीं, इसके नीचे में मेंटेन करता है सुबह तभी आपको शॉर्ट बनाना चाहिए। एशियन पेंट काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट एशियन पेंट में हमने देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसमें एक 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, और ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया है काफी अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। हमें देखना चाहिए कि जो 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ इसमें ऊपर, यानी 3097 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तभी हमारा जो टारगेट बनेगा, ये टारगेट आपको 70-80 पॉइंट के आसपास आपको टारगेट मिलने के लिए तैयार है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए ना, आपको एशियन पेंट में एक वेट एंड वॉच करना चाहिए, कभी भी इसके ऊपर मिलता है तभी बाइंग बनता है। तो एशियन पेंट बाइंग करने के लिए तैयार है, तो 70-80 पॉइंट आपको मिलने के लिए तैयार है एशियन पेंट। ये था कुछ स्टॉक जो कॉल के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, तो
जो चार्ट पैटर्न के साथ फॉर्मेशन हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न और ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, एसेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो इसमें आपको थोड़ा सा देखकर ही स्टॉक को वेट एंड वॉच करना चाहिए। कभी भी लेवल के आसपास मिलता है तो बाइंग बनता है, तो इसलिए कोटा का। और आपको इंडक्शन बैंक तो ब्रेकआउट दिया है, तो नीचे में आपको मिलता है तो आपको खरीदारी करना चाहिए, ये लेवल के आसपास आपको मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए। ये था डिटेल्स अपडेट कुछ स्टॉक कॉल के लिए। एक्सपायरी कॉल मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट पॉजिटिव होगा तो ये स्टॉक में आपको पॉजिटिव मिलता है तो बाइंग बनता है। थैंक यू।